हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। आज दोस्तों ये व्लॉग भी आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको जहाँ हम रहते हैं हॉस्टल, कैसे रूम है, क्या क्या फैसिलिटी है, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को देख सकते हो आप सामने, यह चंद्रशेखर हॉस्टल ब्लॉक सी। इसमें दोस्तों जो है 5th बटालियन का जो है यहाँ पर मिला हुआ है। ये अभी मिले हमें, 2-3 दिन पहले ही जो है ये अलॉट हुए हैं, और क्योंकि और भी पहले बैरेक थे वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो इसलिए जो है हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों पहले तो आप ये देख लो कितना शानदार लुक है हॉस्टल का, फिर इसके अंदर चलेंगे, अंदर आपको दिखाऊंगा बैरेक जो हॉस्टल के अंदर रूम्स कैसे हैं। और वहाँ पर दोस्तों जो है 4th बटालियन वो रुकी हुई है। ये दोस्तों हमारा सी है, वो जो आपके सामने देख रहे हो वो बी है, उससे आगे दोस्तों ए है, ए बी सी, और ये जो सामने है ये है डी। और यहाँ का आप एटमॉस्फेयर देखो कितना नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह पेड़ ही पेड़, एनवायरनमेंट क्लीन एनवायरनमेंट है। और अब आपको सीधा लेके चलता हूँ मैं सामने, हर जगह दोस्तों आप यहाँ पर बैठ भी सकते हो, शाम को घूम भी सकते हो, वहाँ पर भी जो है बैठने की जगह है। और अभी आपको सीधा लेके चलता हूँ हॉस्टल के अंदर, रूम वगैरह सारा कुछ आपको टूर करा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये है फिल्टर वाटर, यहाँ आरो पानी आप पी सकते हो, बिल्कुल फ्रेश जो है वाटर यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर बाथरूम, ये नहाने का भी है। और ये दोस्तों जो है ये रूम है, ये देख सकते हो आप, ये जैसे रूम है, ये रूम 2 है, ये 3 कमरा, ये 4 कमरा। और जो है हमारा रूम भी आपको दिखा देता हूँ, ये रूम है दोस्तों, दोनों साइड रूम है, आमने सामने रूम है हर जगह। और कितना खुला है, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर जो है चंद्रशेखर हॉस्टल। और ये मेरा रूम आ चुका है, इसे करते हैं ओपन, वेलकम टू माय रूम। और सबसे पहले मिलिए अंकुश, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। ये भी भाई जो हरियाणा पुलिस में हमारे। और ये देखो दोस्तों, ये रूम है और सारे रूम सेम है, किस कोई अलग नहीं है, ये आप देख सकते हो। पहले मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 अलमारी ये हरी, 1 अलमारी ये री, 1 ये री, और 2 बेड यहाँ पर आप देख सकते हो। और मेरे पीछे बैक साइड में ये 2 बेड देख सकते हो, भाई आराम कर रहा है, दीपक भाई अपना रेस्ट कर रहा है, अभी जो है फालन से आए हैं। तो 2 बेड यहाँ पर आमने सामने, और इनको भी 2 अलमारी सेपरेट अलमारी जो है यहाँ पर मिली हुई है सबको, जितने भी हैं सबको अलग अलग अलमारी जो है यहाँ मिली है, हर एक जो है जवान की 1 अलमारी यहाँ पर है, आप देख सकते हो बिल्कुल खुला ओपन में। और ये देख सकते हो, ये मैं एंट्री पे खड़ा हूँ गेट की, और ये देखो आप 4 बेड आपको दिख रहे हैं, इन जो 2 बेड है इनकी अलमारी ये वाली होगी, और जो 2 बेड ये है इनकी अलमारी ये होगी। अब मैं अलमारी और दिखा देता हूँ आपको खोल के, ये देखो अलमारी में यहाँ पर अपना सामान सामून जो भी है आप रख सकते हो, काफी खुली अलमारी है और खुला कमरा जो है रूम है ये। और इसके बैक साइड पे चलते हैं रूम के, गैलरी आप दे, और यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, और यहाँ पर गर्मी नहीं है यार, यहाँ पे हमारे बहुत मतलब मौसम बहुत मीठा मीठा सा मौसम है, ना ज्यादा गर्मी और रात को सर्दी हो जाती है। और ये देख सकते हो आप गैलरी, ये जाली वाला दरवाजा मैंने खोला है, और पीछे आप ये देख सकते हो ये नज़ारा कितना शानदार है, ये पीछे का है, ये गैलरी है, हर रूम के पीछे गैलरी है, आप यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखा सकते हो अपने। साफ सफाई की व्यवस्था हमने खुद ने देखनी है, रूम को डेली साफ करते हैं, झाड़ू से पोछा वगैरह मारते हैं, बिल्कुल क्लीन रूम रहता है, हर एक जवान का जो है रूम बिल्कुल आपको क्लीन मिलेगा। तो पीछे भी गैलरी देख सकते हो, और यहाँ ये है, ये हॉस्टल है, यहाँ पे 4th बटालियन के जवान रुके हुए हैं, ये हमारे। और ऐसे दोस्तों इस पे आप फ्लोर देख लो, ये है ग्राउंड फ्लोर, 1st, 2nd, 3rd, 3 फ्लोर जो आप देख सकते हो ऊपर, तो दूर से ही लगता है हाँ भाई लग्जरी रूम जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर रहने के बाद, लग रहा है हाँ लग्जरी रूम में जैसे हम पहुंच गए हैं। तो रूम आपने देख लिए, अंदर चलते हैं एक बार फिर से। तो भाई पढ़ रहा है, दिखा भाई क्या पढ़ रहा है, एक बार बता तो दे, लगने के बाद भी भाई स्टडी कर रहा है बुक, भाई जुनून होना चाहिए पढ़ने का। ये देखो करंट अफेयर्स अंकुश भाई पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो
आप भी स्टडी भी कर सकते हो, फर्दर स्टडीज, एग्जाम और अगली तैयारी भी आप कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि एक जॉब आपकी सिक्योर हो चुकी है हरियाणा पुलिस की, और दूसरी आप आगे अपने जो है तैयारी करो रेगुलर। तो दोस्तों ये आपको दिखाना था नज़ारा, जो काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, वो लोग आपको रूम वगैरह दिखाए मैंने, और भी जो भी आपकी डिमांड हो, जो भी आप देखना चाहते हो, वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कर देना। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है वीडियो के, आगे भी आपके लिए बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा व्लॉग्स के लिए। और बहुत से कमेंट आए थे, वो सीटी टॉपर से मैंने जैसे वीडियो डाली थी, उनसे भी बात करेंगे फिर से, अभी उनके साथ फिर से आपको उनकी स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे उन्होंने तैयारी करी। फिलहाल व्लॉग्स को करते हैं दोस्तों एंड, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।